dear students I welcome you in the course of leadership emotional intelligence and decision making this is module number 259 and the discussion is related to that how to design your own learning strategy अब इस learning perspective में सबसे पहले तो हमें learning को learning expression को समझना है कि learning is a permanent change in behavior. उसके बाद हमें इस बात को समझना है कि learning से related theory वो हमें क्या बता रही है और practice में क्या-क्या चीजें क्या वो शामिल हैं इस कॉन्टेक्स्ट में याद रखिएगा कि व्हेन वी टॉक अबाउट लर्निंग द थ्योरी एंड प्रैक्टिस दे आर ऑलवेज लिंक्ड टेक्निकली एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग थ्योरी और प्रैक्टिस में फर्क नहीं है सिवाय इसके कि वन इज इन शेप ऑफ वर्ड्स एंड अदर इज इन शेप ऑफ एक्शन थ्योरी इज मोस्ट ऑफ द टाइम डेवलप्ड आउट ऑफ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस अपने आप को मजीद बेहतर करने के लिए थ्योरी का सहारा वो लेती है थेरी कैन गिवेंस थे मद्देनजर रखकर प्रैक्टिस इट सेल्फ प्रैक्टिस अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट करती है यह बिल्कुल इसी तरह है कि आप अगर गाड़ी चलाने का तरीका कहीं पर पढ़ो तो दैट इज थेरी और अगर आप गाड़ी को प्रैक्टिकली फिजिकली टेक्निकली टेंजेबली चलाओ तो दैट इज प्रैक्टिस लेकिन प्रैक्टिस का मतलब यह हर किस नहीं होगा कि जो गाड़ी चलाने का तरीका दर्ज था वो गलत था याद रखिएगा कि दोनों में इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं द थेरी कैन बिकम ऑप्सोलीट द प्रैक्टिस कैन बिकम ऑप्सोलीट द थेरी कैन इंप्रूव इट सेल्फ प्रैक्टिस कैन इंप्रूव इट से कॉम्प्लीमेंट्री टू वन अन अदर

रिलेशनशिप के अंदर हम अगर इसको फर्द करने की कोशिश करें तो थेरी तो थे हम क्वालिटेटिव प्रस्पेक्टिव के ऊपर ज्यादा फोकस वो करते हैं उन में, example, right thing, हम बेस्ट प्रैक्टिस के मुताबिक बेहतरीन चीज वो मटीरियलाइज कर सकें We talk about doing the right things in terms, we are doing something which is even required by the customer. So, theory is actually comprehending the effectiveness side of the management. So, we can keep constant many things in theory. Many things constant in theory, many things constant rakna in practice would be very challenging, would be very difficult. So, ke theory comes up with best practices and the solutions. Theory comes up with historical records. Theory comes up with actually हमने में कौन कौन से फैसले कब किए कहा किए और क्यों किए अब अगर हम प्रैक्टिस की साइड पर आए तो प्रैक्टिस इज बेसिकली लर्निंग फ्रॉम सीरियस मिस्टेक्स उन सीरियस मिस्टेक्स में याद रखें कि सबसे ज्यादा जो बड़ा चैलेंज हमारे लिए होगा दैट इज वुडी दोन दैट वुड बी दो मेनटेन द एफिशिय वुड बी डूइंग द थिंग्स राइट डूंग द थिंग्स राइट में बेसिकली अगर कहीं पर कोई डेविएशन अगर कहीं पर कोई मटीरियल प्रॉब्लम आ भी रही है तो उसको हम साथ साथ कुरेक्ट करते चले जाते हैं वी है वी आर टॉकिंग मोर क्लोजर टू वट प्रैक्टिस इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट लेकिन प्रैक्टिस में देर वुड बी मेनी इफ्स एंड बट्स इन्वॉल्व प्रैक्टिस में बहुत सी चीजें कॉन्स्टेंट नहीं रहती प्रैक्टिस में हमारे पास कंडीशन एंड कंस्ट्रेंट प्रिवेल करते हैं प्रैक्टिस में हमारे पास कॉज एंड इफेक्ट डेमोन्स्ट्रेट होते वो नजर आते हैं सो so, प्रैक्टिस the इस Rather, अगर हम इन दोनों चीजों को कॉम्प्लीमेंट्री लेकर चले तो हमारे लिए दोनों चीजों में अफादियत वो मौजूद होगी डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखिएगा कि थेरी के बगैर प्रैक्टिस अधूरी है और ऐसी प्रैक्टिस जिससे थेरी डेवलप ना हो रही हो वो फायदा मंद नहीं होगी सो वी हैव टू कॉम्प्लीमेंट बोथ ऑफ देम टू गेट बेटर आउटकम्स इन आर कमिंग फ्यूचर थैंक यू